तो फाइनली दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने ऑल न्यू KTM ड्यूक 250 ब्लैक कलर वेरिएंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस बाइक का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं आज मैं दोस्तों आप लोगों को इसका वॉकराउंड भी समझाऊंगा, थोड़ा इधर उधर की बातें भी करूंगा, इंजन के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको चलाकर भी बताऊंगा कि कैसी ये बाइक और कैसा इसका परफॉर्मेंस है। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं बाइक लाया हूँ अक्षय KTM से तेलीबांदा और अगर आप कोई भी बाइक लेना तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव वाली व्हीकल है। तो अगर आप बाइक लेनी तो आप अक्षय KTM जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिलेगा। चलिए रिव्यू में आते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैंने इसका वॉकराउंड रिव्यू आपको जो है ना ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, वॉकराउंड रिव्यू मैंने आपको दे दिया था, बट फिर भी मैंने बोला कि एक राइड रिव्यू तो बनता है भाई, चला कर में अलग फील होता है चला के बताने में, तो सोचा आप लोगों के लिए एक राइड रिव्यू जो मैं कर दूँ। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले इस बाइक के प्राइस के बारे में। अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ आप खरीदने की सोचेंगे सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचेंगे। दोस्तों ये अब ऑन रोड प्राइस आ रही है 285,000, 285,000 रुपये के आसपास की, 284,000 रुपये के आसपास की जो आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। थोड़ा सा प्राइस इधर उधर वेरी करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए रिव्यू में आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने इसका नया ग्राफिक तो देख ही लिया होगा, पूरा ब्लैक ग्राफिक है, ब्लैक अलाउविल है, पूरा ये ब्लैक है। बस यहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा सा आपको इसमें जो है देख सकते हैं 250 की जो बैचिंग है वही आपको ऑरेंज मिलेगी, बाकी प्योर जो है कंपनी ने इसे ब्लैक में रखा है। तो ये चीज़ जो है मुझे इस बाइक की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। चलिए आ जाइए स्पीडोमीटर दिखाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि स्पीडोमीटर नया है तो स्पीडोमीटर दिखाना आपको पहले बनता है। आप देख सकते हैं दोस्तों फाइनली अब इसमें आप लोगों को नया TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पहले इसमें LCD आता था बट अब TFT आ रहा है, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल रहे हैं। कहाँ से शुरुआत करूँ भाई, इतने सारे फीचर है। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लॉक है, इंजन मालफंक्शन लाइट है, ABS की लाइट है, ये गियर इंडिकेटर है, उसके बाद यहाँ पे इंजन टेम्परेचर है, स्पीडोमीटर है, ये साइड स्टेयर इंडिकेटर है, यहाँ पे ABS दिखा रहा है, ये कॉन्स स्पीड ट्रिप वन बैटरी दिखा रहा है। ठीक, ये देखिए स्विचेस देखिए, स्पीडोमीटर इसके कंट्रोलर है, ये हजार्ड का स्विचेस है, आप चारों इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं, ये स्पीडोमीटर कंट्रोलर है। और क्या फीचर हम देख लेते हैं इसमें, उसके बाद दोस्तों इसमें राइडिंग मोड्स है, इसमें आपको स्ट्रीट एंड ट्रैक मोड मिल जाता है, ABS में दो मोड है, रोड एंड सुपर मोटो में डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बाइक इन्फो में कूलेंट टेम्परेचर है, फ्यूल रेंज है, बैटरी है, ओडो है, सर्विस है, वार्निंग्स है, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये आपको इसमें देखने को मिलता है। साथ में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको जो नेविगेशन एंड म्यूजिक कंट्रोल है वो भी आपको इसमें मिलेगा। एंड आप देखेंगे दोस्तों सेटिंग्स में आपको फेवरेट्स है, क्यूक सेलेक्टर है, कनेक्टिविटी है, क्यूक शिफ्टर है, शिफ्ट लाइट है, क्लॉक डेट्स है, यूनिट्स है, लैंग्वेज है, एक्स्ट्रा फंक्शन है, ये सारे फीचर आपको इस बाइक में मिलेंगे। और ध्यान रखिए इसमें आपको किक शिफ्टर, राइड बाय वायर एंड जो स्लीपर क्लच है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। मतलब फीचर वाइज बहुत तगड़ी हो गई है। और यहाँ पे इसमें आपको एक सी टाइप जो चार्जिंग है वो भी आपको इसमें मिलेगा, ये इंजन की स्विच और एक सेल्फ स्विच आपको इसमें मिल जाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं फ्रंट में। फ्रंट में आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले क्या अपडेट है। देखिए पहले जो 250 आती थी ना पुरानी वाली, वहाँ पे कंपनी ने DRL लाइट यहाँ पे दिया था, लेकिन अब कंपनी ने 390 जैसे DRL लाइट यहाँ पे ऑफर कर दिया। आप देख सकते हैं सेम ऐसे DRL लाइट आपको मिल रहे हैं जो कि 390 में मिलते थे। मेन लाइट में आपको LED मिलता है, पास मार के दिखाता हूँ, यू कैन सी फुली LED लाइट है। इस लाइट की इल्यूमिनेशन एंड जो विजिबिलिटी है दोस्तों आपको बहुत अच्छी मिलेगी। टर्न सिंगल लैप वो भी आपको यहाँ पे LED देखने को मिल जाते हैं। ठीक, चलिए बात कर ले दोस्तों इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, इधर से आ जाते हैं। सस्पेंशन में आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों इस बाइक में आपको WP के जो है एपेक्स वाले सस्पेंशन मिलते हैं। देखिए WP के एपेक्स वाले सस्पेंशन है, साइज वाइज 43 mm है, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। टायर साइज में दोस्तों फ्रंट में आपको 110/70 के टायर साइज मिल जाते हैं। ब्रेकिंग में आते हैं, ब्रेकिंग में दोस्तों स्पेशल फीचर में इस बाइक में आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS मिलेगा। और इसकी जो प्लेट साइज है फ्रंट में 320 mm की प्लेट है, रेडियल कैलिपर आपको मिलते हैं, ब्रांड है बाइब्रे, विच इज़ वेरी प्रीमियम ब्रांड जो हम इसे कहते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी ने ऑफर यहाँ पे किया हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ, इस बाइक के हार्ट की तरफ। देखिए आपको बता दूँ इंजन टाइप में इस बाइक में आप लोगों को 249.07 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक LC4C इंजन आपको इसमें मिलता है। देखिए LC4C की बैचिंग यहाँ पे मिलेगी। बात करूँ पावर के बारे में दोस्तों, ये बाइक मैक्सिमम पावर में 31 PS का पावर जनरेट करती है। 25 Nm का जो टॉर्क है हमें इस बाइक में देखने को मिलेगा। मतलब 250 में अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट की सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है KTM ड्यूक 250। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे नया रेडिएटर है जो कि कर्व वाला रेडिएटर है। दोस्तों पहले फ्लैट आता था बट कंपनी ने कर्व रेडिएटर दे दिया है। ये इसका आप देख सकते हैं, ये कूलेंट का फ्यूल आपको यहाँ पे मिलेगा, कूलेंट आप इसमें डालेंगे। ठीक है, और आपको बताओ दोस्तों इसमें आप लोगों को जो है 6 गियर देखने को मिलता है, राइड बाय वायर है, स्लीपर क्लच है, और जो यहाँ पे किक शिफ्टर है
सॉरी स्लीपर जो क्लच है यहाँ पे मिलेगा, साथ में इसमें आपको जो किक शिफ्टर है वो भी मिलता है। जब मैं राइड करूंगा तो आपको दिखाऊंगा उसको फील करके। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं इंजन में इसमें आप लोगों को जो है ना बहुत ही तगड़ा वाला जो LC4C इंजन है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। बिल्कुल थर्ड जनरेशन वाला इंजन है ये, बिल्कुल आपको नया इंजन देखने को मिल जाएगा। सो ये था दोस्तों इस बाइक का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन। चलिए बात कर लें इस बाइक के थोड़े माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसा ये माइलेज देगी। आपको बता दूं दोस्तों ये बाइक जो है मिनिमम आपको लगभग 25 से 30 के आसपास का माइलेज देगी डिपेंडिंग ऑन राइडिंग स्किल। और 0 to 100 इसको लगभग लगते हैं 8.5 सेकेंड। टॉप स्पीड इसकी लगभग 150 से 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। अब आते हैं रियर में। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों इसके रियर सस्पेंशन विच इज़ वेरी प्रीमियम सस्पेंशन। कंपनी ने काफ़ी अच्छे सस्पेंशन दिए। साइड माउंटेन सस्पेंशन है, पहले भी सेंटर में आते थे, साइड माउंटेन होने की वजह से इसका सीट लेंथ कम हो, हाइट कम हो गई और ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने में मदद मिली है। उसके बाद रियर में जो टायर साइज मिलता है दोस्तों इस बाइक में आपको 150cc के टायर रियर में मिलते हैं। MRF के टायर है, स्टील वाले नए टायर है ये। रियर में आपको 240mm की डिस्क प्लेट मिलती है, सिंगल पिस्टन कैलिपर रियर में मिलेंगे। ये बाइक का रियर अपना फुटरेज है, ये फ्रंट फुटरेज आपको मिल जाता है। साथ में इसकी जो टेल लाइट है दोस्तों वो भी आपको LED देखने को मिलेगी। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, यू कैन सी टेल लाइट आपको LED मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम लाइट जो है कंपनी ने इसमें ऑफर किया हुआ है। तो ये था दोस्तों इसका छोटा सा एक वॉक राउंड हो गया। अब दोस्तों इस बाइक को राइड करते हो, राइड करके देखते हैं कि कैसे ये परफॉर्म कर रही है। बाकी भाई ड्यूक 250 ये जो कलर ऑप्शन है भाई इसका इबोनी ब्लैक कलर ऑप्शन बहुत तगड़ा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों आप करते हैं इसे राइड और राइड करके फील करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। सो चलिए दोस्तों अब जो है इस बाइक को राइड करते हैं, राइड करके देखते हैं कि कैसे ये परफॉर्म कर रही है। और देखिए मैंने वॉक राउंड में आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताया था, बट अब आपको राइड रिव्यू करूंगा और भाई चला के आपको ज़्यादा बेहतर बताऊंगा। टाइम हो रहा है भाई 11:20 और आप धूप देखिए कितनी धूप में आपके लिए काम कर रहा हूँ भाई। तो भाई अब थोड़ा सपोर्ट तो बनता ना भाई, जल्दी से इस चैनल को 1 लाख तक पहुँचा दो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी पहुँचाएंगे। चलिए दोस्तों अब इसे राइड करते हैं और राइड करके देखते हैं कैसे ये परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले दोस्तों आपको हाइट दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए आराम से पैर पहुंच रहे हैं, देखिए पहले थोड़ी दिक्कत होती है बट अब आराम से इसमें पैर पहुंच जाते हैं। चलिए सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट दिखाता हूं, काफी स्मूथ हो गई है। चलो चलो चलाते हैं इसे। हाँ भाई राइडिंग पोस्चर तो बहुत तगड़ा है इसका। मैं कर लेता हूँ अपना जो है ग्लास ऑफ, देखिए थोड़ा खींचता हूँ पिकअप, देख रहे हो ये देखो। मतलब भाई KTM की बाइक में ना जैसे ही आप बैठेंगे वैसे ही आपको फील होगा कि वाह 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 क्या पिकअप। ये देखिए सस्पेंशन देखिए, पहले के कंपेयर में सस्पेंशन बहुत तगड़े हो गए हैं भाई, बहुत तगड़े सस्पेंशन हो गए हैं इसके। देखिए सस्पेंशन देखें तो भाई आपको ये चीज़ ब्रेकर में गड्ढों में फील होगा कि आपकी बाइक के जो सस्पेंशन है वो अब कितने बेहतर हो गए। पहले के सस्पेंशन इतने बेहतर नहीं थे जितने बेहतर अभी वाली आपको ड्यूक में देखने को मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा मज़े लेते हैं पहले बाइक के। आहा थोड़ा देख के, आहा ओहो देखिए, मतलब जब आप इसे भगाएंगे ना तो मैं आपको बताऊं ड्यूक का नेचर कैसा है। देखिए मैं तो भाई 4 सालों से चला रहा हूँ, मैं खुद ड्यूक 390 ऑन करता हूँ और देखिए इसका न्यू नेचर कैसा है। जब ये ना 6000 RPM तक रहेगी ना तब इसमें ना पावर आपको थोड़ा कम ही फील होगा, जब ये 6000 के बाद जाती है तब ये ना बहुत ज़्यादा स्पीड से खींचती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पीड से वहाँ पे आपको जो है ना इसका पावर फील होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों Gen 3 ड्यूक 250 में मैंने एक चीज़ सबसे पहले नोटिस की, इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो पहले से बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया है। और एक चीज़ मैं मतलब नोटिस कर रहा हूँ कि भाई जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, आपको फील होगा कि आप जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा सेफ व्हीकल चला रहे हैं। अब उसका कारण आगे बताऊँगा आपको क्यों ऐसा, लेकिन भाई पहले के कंपेयर में वो चीज़ जो है ना मुझे नोटिस मतलब मैं कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस जो लेवल है इसका ना मतलब कॉन्फिडेंस जो है ना आपको ज़्यादा देगी ये बाइक एज़ कम्पेयर टू ओल्ड ड्यूक 250, ठीक है, या फिर 390 भी आप कह सकते हैं उस मतलब सेकेंड जेन वाले डिज़ाइन के कंपेयर में, ठीक है। दोस्तों ये वाली जो ड्यूक है आपको बता रहा हूँ चलाने में इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है कि भाई मैं क्या ही कहूँ, आप पुरानी वाली ड्यूक से कंपेयर कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, इतना ज़्यादा स्मूथ है इसका इंजन। कंपनी ने नया LC4C इंजन दिया, इस वजह से ही कंपनी ने दिया होगा भाई कि भाई थोड़ा स्मूथ बनाना है, इंजन की क्वालिटी बढ़ानी है, इंजन नया लाना है। पुराने वाले ड्यूक में आप देख सकते हैं कितना इशू आ रहा था, कई लोग बोल रहे थे भाई इंजन से आवाज़ आने लगी, ये वो करके भाई कंप्लेन आ रही थी, तो कंपनी ने सीधा
इंजन में ही काम करके पूरा इंजन ही चेंज कर दिया। तो ये बड़ा अपडेट आप कह सकते हैं इसमें देखने को मिला है, और ये अपडेट जो है इसमें होना भी चाहिए था भाई, ऐसा नहीं है नहीं होना चाहिए था, ये काफ़ी बड़ा अपडेट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक चीज़, इसका जो राइड बाय वायर है वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फील करेगा, बहुत अच्छा आपको फील होगा कि भाई आपकी बाइक का जो मतलब एक्सीलेटर रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो आपको जो है काफ़ी टॉप लेवल का आपको देखने को मिलेगा। सिग्नल यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, फिर देखिए फील हो रहा है आपको, काफ़ी तगड़ा है चलाने में। और मेरे हिसाब से दोस्तों आपको जो है ना, आप KTM की खैर कोई भी बाइक चलाइए आपको वो चीज़ फील होगा, बट इसमें ज़्यादा फील होगा क्योंकि इसमें ना वायर नहीं आता, आपको पता है इसमें राइड बाय वायर आता है, इसमें कोई भी एक्सेलेटर में वायर नहीं, डायरेक्ट ये ECU से कनेक्ट होती है एज वायर वाइज, तो भाई इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत तगड़ी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको पता तो स्पीडोमीटर इसका काफ़ी विजिबल है, ऐसा देखिए पूरा धूप में आपको राइड कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा धूप में तो आप चलाएंगे नहीं, तो भाई मीटर पूरा विजिबल है आपको, GoPro में विजिबल मिल रहा है, तो आप सोचिए आंखों में तो भाई पूरा विजिबल हो गई होगा वाली बात है। ये भी बड़ा प्लस पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, और आप ये जब राइड करेंगे बाइक को तब आप नोटिस करेंगे कि हाँ भाई स्पीडोमीटर विजिबिलिटी जो है वो भी हमें इसकी बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस आप देख ही पा रहे हैं, परफॉर्मेंस तो है भाई, मतलब थोड़ा सा आप एक्सीलेटर देंगे ना आपको फील होगा कि हाँ भाई आपकी बाइक में जो पावर है आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है, जो पावर है भाई आप चलाते समय नोटिस कर पाएंगे कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी जो पावर इसमें ऑफर की हुई है, ठीक। चलिए यहाँ पे आप दोस्तों आपको थोड़ा किक शिफ्टर दिखाता हूँ इसका, ये देखिए, देखो 3, 4, 5, तो ये चीज़ आपको पता चलेगा आप जब बिना एक्सीलेटर मतलब एक्सीलेटर को कम किए और क्लच को बिना लिए आप जो है गियर चेंज कर सकते हैं और गियर डाउन भी कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, अभी 4 में एक्सीलेटर नहीं छोड़ा, क्लच नहीं रहा हूँ, ये देखिए 3, 2, इसे कहते हैं ऑटो ब्लीपर। किक शिफ्टर का मतलब होता है कि भाई आपको एक्सीलेटर एंड क्लच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है आप गियर चेंज कर सकते हैं। तो ये एक सेंसर होता है जो सेंसर सेंस कर लेता है एक्सीलेटर को, तो एक्सीलेटर अपने आप थोड़ा कम होता है और गियर लगाते हैं, देखिए देखिए, तो ये चीज़ भी आपको इसमें बहुत तगड़ी मिल रही है। इसका किक शिफ्टर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, पुरानी वाली जो ड्यूक है उसका किक शिफ्टर उतना बेहतर काम नहीं करता था दोस्तों, लेकिन इसका जो किक शिफ्टर है आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो आपको ये वाली 250 में देखने को मिल जाता है, ठीक। चलिए हम चलते हैं इधर, हाँ चलिए थोड़ा सा इसको भगाते हैं, देखिए क्या प्यारा किक शिफ्टर है भाई, मतलब एकदम बटर स्मूथ आप कह सकते हैं, बटर स्मूथ जो है इसका किक शिफ्टर जो है काम कर रहा है, और ऐसा ही जो है किक शिफ्टर को काम करना भी चाहिए भाई मेरी नज़रों में, ठीक। स्पीडोमीटर कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और देखिए स्पीडोमीटर में स्विचेस बिल्कुल नए हैं, इसमें आप 1000 भी ऑन कर सकते हैं, स्पीडोमीटर कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ मैंने आपको पहले बताया। इसके जो सस्पेंशन है पहले के कंपेयर में ज़्यादा बेहतर हो गए, थोड़े सॉफ्ट हो गए, रियर भी फ्रंट भी, फ्रंट में WP के एपेक्स वाले आ गए, पहले 250 में WP के नॉर्मल आते थे, तो सस्पेंशन में इंप्रूवमेंट लाया कंपनी ने, नया सस्पेंशन दिया है, बेटर क्वालिटी के सस्पेंशन जो है कंपनी ने वो भी इसमें जो है ऑफर कर दिया है, सारी चीज़ों में दोस्तों कंपनी ने जो है ध्यान दिया है। अब एक बार जो है इसकी ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं, हमारे पीछे कोई नहीं है, एक बार जो मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है एक बार और मैं दिखाता हूँ थोड़े स्पीड में, ये देखिए, मतलब इसका जो कट ऑफ है, मतलब कट ऑफ बोल रहा हूँ यार भाई, मतलब इसका जो मतलब कह सकते हैं जो ब्रेकिंग पावर है, जो पकड़ है ना, वो आपको बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी, मतलब आप हल्का सा एक्सीलेटर मतलब हल्का सा आप ब्रेकिंग दबाएंगे और तुरंत जो है ये दबने लगती है, देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये चीज़ आपको बिल्कुल जो है दोस्तों इसका फील होगा, हाँ भाई ब्रेकिंग पावर जो है इसकी हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, और ये चीज़ भाई इसलिए भी आपको बेहतर मिलती है क्योंकि दोस्तों इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, प्लेट साइज फ्रंट का बहुत बड़ा 320mm, रियर का है 240mm, तो इस वजह से दोस्तों जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है, और ये चीज़ भाई मानना पड़ेगा कि ड्यूक जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ली है कंपनी ने इस चीज़ को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको सी टाइप का जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा मज़े करते हैं इस बाइक के, बस वीडियो एंड करेंगे, और राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है कम्फर्टेबल हो गई अपनी KTM ड्यूक 250। जी हाँ, पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गई है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि भाई हाइट कम है, अपना ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है, राइडिंग पोस्चर बेहतर हो गया है, आपको कंफर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और भाई आप मैं आपको बता दूं, पहले के कंपेयर में आप इस बाइक को ना 250 से 300 किलोमीटर भी कंटिन्यू चलाएंगे तो भी आपके बैक में शोल्डर में आपको जो है कोई भी पेन नहीं होने वाला, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट जो है आपको इस बाइक का देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अब जो है यहाँ पे मैं रोकता हूँ इसे,
और आपको जो एक वॉक अराउंड दिखाऊंगा उसके बाद जो मैं वीडियो को एंड करूंगा, ठीक है। और आपको नया वाला ब्लैक कलर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत तगड़ा लगा, आई होप आपको भी जो अच्छा लगा होगा। तो चलिए यहाँ पे रोकते हैं और मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड दिखाता हूँ। और हमेशा भाई सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाएं और हमेशा जो है ग्लव्स हेलमेट ये चीज़ें ज़रूर पहने। ग्लव्स तो खैर आज मैं खुद भूल गया हूँ, कुछ इस टाइप का इसका लुक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।